1 नवंबर 2000 को हमारे राज्य छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। शैशव अवस्था के प्रारंभिक कष्टों से जूझ रहा था प्रदेश। चारों ओर अंधकार एवं अव्यवस्था का माहौल था। ऐसी परिस्थितियों में हमारे राज्य की बागडोर एक ऐसे व्यक्तित्व को सौंपी गई जो कि सौम्य, सरल परंतु दृढ़ निश्चय एवं आत्मविश्वास से भरपूर थे, जिनके हृदय में प्रदेश की जनता के लिए पीड़ा एवं स्नेह था तथा समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के विकास का संकल्प था, जिनका नाम डॉक्टर रमन सिंह है, जो कि प्रदेश की राजनीति के चमकते हुए सितारे हैं, जिनका व्यक्तित्व किसी परिचय का मोहताज नहीं, जिनके नेतृत्व में प्रदेश की विकास की एक नई इबारत लिखी जा रही है। जो सफर की शुरुआत करते हैं वही मंजिल पार करते हैं। आप सिर्फ चलने का हौसला तो रखिए, आप जैसे मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। जब डॉक्टर साहब ने प्रदेश का नेतृत्व संभाला तब यह राज्य नक्सल समस्या से जूझ रहा था। नक्सल गतिविधियों पर अंकुश लगाने में सफलता मिली। डॉक्टर साहब के नेतृत्व में गरीबों के लिए पीडीएस चावल उपलब्ध कराए गए, जिसका अनुसरण आज देश के अन्य राज्यों में भी किया जा रहा है। जिस तरफ देखिए विकास ही नजर आएगा। चिकित्सा के क्षेत्र में एम्स का आना, नई राजधानी का विकास, आईआईटी, आईआईएम, क्या कुछ नहीं आज हमारे पास, और यह सब हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की ही दूरदर्शिता का परिणाम है। लगातार पिछले 15 वर्षों से बिना रुके प्रदेश के विकास का संकल्प लिए आगे बढ़े जा रहे हैं। यद्यपि विपरीत परिस्थितियां भी आईं, परंतु हमारा छत्तीसगढ़ उत्तरोत्तर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। डॉक्टर साहब की उदारवादी सोच ही उनकी आत्मिक शक्ति है। राजनैतिक विरोधियों से सौजन्यता एवं सम्मान भावना के कारण उन्हें राजनैतिक संत कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम शाख के पत्ते नहीं जो टूट कर बिखर जाएं, आंधियों से कह दो अपना रास्ता बदल दें।